फिंगरप्रिंट के माध्यम से किस तरीके से पैन कार्ड हम लोग बनाएंगे, इस वीडियो में हम लोग पूरा जानकारी देने वाले हैं। और इस आईडी को लेने के लिए आपको वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाके जो है इस फॉर्म को फिलअप करके इस आईडी को आप लोग ले सकते हो। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप लोग को इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जाके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस आईडी में आपको जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स फिजिकली सेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आपको जो ई पैन कार्ड जनरेट होकर आ जाएगा। और फिज़िकल जो पैन कार्ड है वो 7 डेज़ के अंदर कस्टमर के अकाउंट जो एड्रेस है उस पर आ जाएगा। सबसे पहले जो आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन हो चुका हूँ ना, यहाँ पे जब आधार नंबर डाल के श्री श्रीमती कुमारी लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम में डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर कौन सा है, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करेंगे। एंड इस पेज में इतना ही सारा डिटेल्स है, डिटेल्स को आप लोग सिंपली जो है एक बाई एक करके फिलअप करते जाएंगे। एंड नेक्स्ट पेज जाके अब लोग जो है यहाँ पे कोने पे दिख रहा होगा सबमिट करके सबमिट बटन पे जाके क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो डिटेल्स पहले फिलअप किया था उसको एक बार ठीक से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नो बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सिंगल पेरेंट्स मदर सेकेंड यहाँ पे नो करेंगे, फादर्स का लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम और मिडिल नेम जो भी है, आपका आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है उसके हिसाब से इसमें डाल देंगे। यहाँ पर फर्स्ट दिखा रहेगा फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर है, आपको येस बटन पे क्लिक करना है। सोर्स ऑफ इनकम पे नो इनकम डालना है। यहाँ पे एरिया एसटीडी कोड और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो डालेंगे, इस ईमेल आईडी पे आपका फिजिकल जो पैन कार्ड है वो तो कस्टमर के एड्रेस पे आ जाएगा, लेकिन जो ई पैन कार्ड है वो आपको इस जो ईमेल आईडी है इस पर जनरेट हो के आ जाएगा 2 घंटे के अंदर। जैसे एड्रेस पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे एंड यहाँ पे कुछ भी फिलअप नहीं करेंगे आप, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके इंडियन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से हो स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिटी जहाँ पे आप रहते हैं उसको जाके आपको फिलअप करना है। फिलअप हो जाने के बाद नीचे एक लिस्ट आएगा, इस पे जाके जो भी आपका सिटी है वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो ऊपर में AU कोड और WBG कोड सब कुछ आ जाएगा। प्लेस में आपको जाना है, प्लेस में जाके आपको जहाँ पे रहते हैं उस पे प्लेस का इस पे डिटेल्स डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक होते ही आपको जो पूरा पेज प्रोसेसिंग होके पूरा जो फॉर्म है आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इस पे पूरा डिटेल्स आपका शो करेगा, एक बार आपको चेक करना है। चेक करने के बाद जो है यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपको फिंगर लेना है तो इसके लिए आपको OTP बेस एंड बायोमेट्रिक दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। इस पे आपको मात्रा मॉर्फो जो भी डिवाइस है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कस्टमर को जो है फिंगरप्रिंट में आपको फिंगर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप ओपन होकर आएगा, इस पे जाके ओके करेंगे तो यहाँ पे कैप्चा सक्सेसफुल दिखाई देगा और इस पे सबमिट बटन पे जाके क्लिक करेंगे। तो सबमिट बटन पे क्लिक होते ही आपको ई साइन सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन जो वेरिफिकेशन है वो आपके पास ओके वो आ जाएगा। ओके होने के बाद आपको फिर से एक बार बायोमेट्रिक में सिग्नेचर लेना है। सिग्नेचर लेने के लिए फिर से एक बार क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आधार आईडी जो कस्टमर का आधार आईडी है उस आधार का नंबर इस पे डालेंगे और नीचे आपको डिवाइस दिख रहा होगा मंत्रा मोड़ जो भी है यहाँ पे जो कि शो कट जाएगा। आपके पास जो भी डिवाइस होगा तो उस पे जाके डिवाइस के पास में जो एक चेक मार्क है उस पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को ओके करेंगे, कैप्चर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमर का अंगूठा को फिर से आपको बायोमेट्रिक में लगाना है। उसके बाद जो है कैप्चर सक्सेसफुल जब भी आपको हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा लोडिंग एंड प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग होने के बाद जो है आपको सक्सेसफुली करके एक मैसेज ओपन होकर आएगा, ई साइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो इस पे जाके आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको जो डैशबोर्ड है यहाँ पे दिखाई देगा, फॉर्म 49A सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपका जो पैन कार्ड है ई पैन कार्ड जल्दी से जल्दी 2 घंटे के अंदर आपका रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है उस पे जाके आपको भेज दिया जाएगा।